हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचुरल पूजा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है, एक हाई रिक्वेस्टेड वीडियो है और इस वीडियो के लिए मुझे बहुत लोगों ने डिमांड की है, तो आप लोगों के कहने पर ही आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन इससे पहले भी मैं अपने चैनल पे 2 या 3 वीडियो ऐसे अपलोड कर चुकी हूँ और उसका फीडबैक आप लोगों ने मुझे बहुत ही अच्छा दिया। और आज जो मैं बात करने वाली हूँ आपको, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि किसी को भी पिम्पल्स की प्रॉब्लम है, आपके कितने भी पुराने दाग हैं, पिम्पल के हैं, एक्ने के हैं, तो उनको रिमूव करने में काफ़ी हद तक ये हेल्प करेगा आपकी। लेकिन जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपको उसी तरीके से इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसे लगाने के बाद आपको कभी भी फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फेशियल से भी अच्छा निखार पाने के लिए मैंने और भी वीडियो अपलोड करी है और उसका रिजल्ट आप लोगों को कितना ज़्यादा अच्छा रहा, उसका भी फीडबैक आप लोगों ने मुझे बहुत ही अच्छा दिया था। और इसका भी आप देखोगे, इसका भी रिजल्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से बनाना है और इसमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए गाइज, मैंने यहाँ पर एक पोटैटो लिया है। इसका छिलका हटाने के बाद और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके मुझे एक मिक्सी जार में डाल के इसको अच्छे से पीसना है। मतलब हमें इसका एक पेस्ट बनाना है और मैंने मिक्सी जार में डाल के इसको पीस लिया। ये आप देख सकते हो, पीसने के बाद आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। और आप इसका जूस भी निकाल सकते हो या फिर इसको डायरेक्ट इसी तरीके से यूज कर सकते हो। मैं इसका जूस नहीं निकालूंगी, डायरेक्ट इसी तरीके से यूज करूंगी। ये देखिए, और आपको पीसने के बाद आपको ऐसा नज़र आएगा, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे लिया है मैंने रॉ मिल्क और ज़रूरत के हिसाब से हम डालेंगे। यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है मैंने, कस्तूरी हल्दी लिए और मैंने लिए मुल्तानी मिट्टी पाउडर। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन सब की क्वांटिटी आपको कितनी रखनी है, मतलब कितना डालना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पूरा एक पोटैटो का ही यूज़ करने वाली हूँ, मतलब मैं इसे फुल बॉडी के लिए बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं इसमें सामान यूज़ करूँगी। तो मैंने हल्दी पाउडर जो यहाँ पर लिया है 1/4 चम्मच लिया है और मैंने लिया मुल्तानी मिट्टी पाउडर। और मुल्तानी मिट्टी पाउडर आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, मतलब 2 चम्मच भी कर सकते हो, 3 चम्मच भी कर सकते हो। मतलब हमें इसका एक थिक पेस्ट बनाना है तो उस हिसाब से आप इसमें ऐड करें। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल एक चम्मच डाला है, मतलब उसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और भी ऐड करूँगी। और मैंने यहाँ पे लिया है कच्चा दूध और 2 चम्मच मैंने इसमें कच्चा दूध डाल के और इसे कर देती हूँ अच्छे से मिक्स। तो देखिए, इस तरीके से आपको ये अच्छे से मिक्स करना है। और अगर मुझे इसमें मुल्तानी मिट्टी की और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और भी ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे एक थिक पेस्ट बनाना है जिससे हमारे हम चेहरे पर इसको लगाएंगे थोड़ी सी देर, मतलब टिका रहे उस पर, नीचे की साइड ना गिरे। तो इस वजह से तो मुझे अभी भी ये थोड़ा सा पतला लग रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे इसमें मुल्तानी मिट्टी की और ज़रूरत है, तो थोड़ी सी और मैं ऐड कर लेती हूँ इसके अंदर। तो देखिए, मैं 1 चम्मच और डाल देती हूँ इसके अंदर। और गाइज, ये कोई ज़रूरी नहीं है मैंने पूरे पोटैटो का ही यूज़ किया है यहाँ पे, क्योंकि मैं फुल बॉडी के लिए बना रही हूँ, इसलिए आप इसमें से 2 चम्मच भी ले सकते हो। मतलब आलू का जो पेस्ट बनाया है उसमें से 2 चम्मच भी ले सकते हो। तो उसी हिसाब से आप इसमें हल्दी की, दूध की और मुल्तानी मिट्टी की क्वान्टिटी रखें। मतलब आप 1 चम्मच इसके अंदर, अगर आप फेस के लिए बनाना चाहते हो तो 1 चम्मच आप इसमें कच्चा दूध डालें, थोड़ी सी आप हल्दी पाउडर डालें, मतलब 1 चुटकी के करीबन, और मुल्तानी मिट्टी आप 1 चम्मच 1.5 चम्मच और या फिर 1/2 चम्मच भी ऐड कर सकते हो। और इसका मैंने पेस्ट बना के एक साइड में रख दिया है। अब मैंने यहाँ पे एक पोटैटो और लिया है, तो इसका भी छिलका हटाने के बाद मैंने और इसको बीच में से कट कर दिया है, मतलब 2 हिस्सों में इसको मैंने बांट लिया है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से मैं आपको फिलहाल इसको लगा के दिखाऊंगी अपने हाथ पर और उसके बाद अपने चेहरे पर भी लगा कर दिखाऊंगी। लेकिन मैं आपको मतलब यह बताना चाह रही हूँ कि ये फुल बॉडी के लिए आपको, और जैसे कि आप नहाने के लिए जाते हो ना, नहाने से पहले अगर आप इसको करोगे तो आपकी जो स्किन है ना उसमें अलग से ही चमक आएगी। और इसके लिए मैंने और भी 1 या 2 वीडियो अपलोड कर रखी हैं, वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, उसका रिजल्ट भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था, तो इसका भी रिजल्ट आप लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस आपको क्या करना है, इनमें से जो भी मैंने यहाँ पे सामान यूज़ किया है, आपको ये देखना है कि ये सारा सामान आपकी स्किन को सूट करता है कि नहीं करता, तो प्लीज़ ये सब आप ज़रूर चेक कर लिया करें। और अब देखिए, मैंने यहाँ पे ये जो पैक बनाया था इसको मैंने अच्छे से अपने हाथ पे लगा लिया है। हाथ पे लगाने के बाद आपको इस तरीके से जो मैंने एक पोटैटो को 2 हिस्सों में काटा था, एक हिस्सा आपको लेना, उसी से अच्छे से रब करना जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए, इससे क्या होगा, आपकी जो भी डेड स्किन है वो भी निकलेगी, आपकी स्किन को फेयर भी करेगा। और आपको अगर डार्कनेस की प्रॉब्लम है, हो जाता है सनटैन की प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा स्किन पर दाग धब्बे हैं, काले जिद्दी धब्बे हैं, तो उन सबको रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसी तरीके से आपको इसमें रब करने में कितना टाइम देना है, कम से कम 5 से 7 मिनट, तो मैं 5 से या 7 मिनट इसको इसी तरीके से रब करूँगी।
देखिए गाइस, जैसे कि मैंने हाथ पे लगाया था, हाथ को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करके। और चेहरे पर लगाने से पहले, जैसे कि मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन जरूर कर लिया करें, मतलब कोई भी फेस पैक लगाने से पहले। उससे क्या होगा, जो भी आप फेस पैक लगाओगे वो अच्छे से काम करेगा। और मैंने कॉटन और रोज़ वाटर की सहायता से अपना पूरा मेकअप साफ कर लिया है इसे। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे लगा के कि आपको किस तरीके से लगाना है। जैसे मैंने अपने हाथ पे लगा के आपको दिखाया था, उसी तरीके से ये आपको अपने चेहरे पर भी लगाना है। ये देखिए, मुझे जो मैंने यहाँ पे आलू को कट करके रखा हुआ था उसका एक हिस्सा मैंने लिया है, और उसको लेके इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लेके अपने चेहरे की इससे आपको मसाज करनी है। तो जैसे मैं मसाज कर रही हूँ, आप इसी तरीके से मसाज करें। एक बात का और आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी फेस पैक लगाते हो तो उसके बाद आपको फेस वॉश या साबुन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप कमेंट करके मुझे यह पूछोगे कि दी, इसे लगाने के बाद क्या मैं फेस वॉश या साबुन से नहा सकती हूँ, उसको यूज़ कर सकती हूँ? तो आपको नहीं करना है। और जिसमें आप हल्दी का यूज़ करते हो किसी भी फेस पैक में, तो उसमें तो आप साबुन या फेस वॉश का यूज़ बिल्कुल भी ना किया करें, क्योंकि उससे फिर आपकी स्किन काली पड़ सकती है। क्योंकि हल्दी का यूज हुआ है, हल्दी के यूज के बाद हम साबुन या फेस वॉश वगैरह का यूज़ करते हैं तो स्किन थोड़ी सी डार्क हो जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और आपको इसी तरीके से मसाज करनी है। मसाज करने के लिए आपको कितना टाइम देना है मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, मसाज करने के लिए आपको कम से कम चेहरे के लिए 5 मिनट देने हैं, और 5 मिनट आपको हल्के हाथों से मसाज करनी है। बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर नहीं डालना है अपनी स्किन पर, और इसी तरीके से हल्के हाथों से आप इसी तरीके से मसाज करें। अब मैं आपको बताती हूँ इसे करने के बाद आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट है, मतलब काले धब्बे हैं और पिंपल्स के निशान हैं, एक्ने के हैं, झाइयाँ हैं, सबको ये ठीक करेगा। और जैसे कि मैं अपने लिप पर इससे इस तरीके से मसाज कर रही हूँ, आप अपने लिप के आसपास की जो भी एरिया होता है उस जगह भी इससे मसाज करें। इससे क्या होगा, जो भी आपका डार्क एरिया है वो धीरे धीरे लाइट होने लगेगा उसकी जो स्किन है। और इसी तरीके से करें। अब मैं इसमें टाइम देती हूँ कम से कम 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट मसाज करने के बाद मैं आपको इसे वॉश करके दिखाऊंगी, और इसके बाद इसका अगला स्टेप क्या है मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। मसाज करने के बाद 3 मिनट के लिए मैंने इसे अपने चेहरे पर लगाकर छोड़ दिया था, मतलब पूरे 8 मिनट के लिए। और अब मैं इसे एक कॉटन की सहायता से साफ करूंगी, और आपको धोना है डायरेक्ट, लेकिन मैं आपको फिलहाल साफ करके दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं इसे धोऊंगी। और आपको अपने चेहरे को धोने के लिए कैसे पानी का यूज़ करना चाहिए, तो मैं आपको हर बार बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी यूज़ मत किया करो। इससे क्या होता है, आपकी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम भी बढ़ती है, आपकी स्किन पर टाइम से पहले झुर्रियाँ भी आना स्टार्ट हो जाती हैं, आपकी स्किन लूज भी हो जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जिस पैक में आप हल्दी डाला करें उसमें तो बिल्कुल भी आप गर्म पानी का यूज़ ना करें। तो मैं यहाँ पे लूँगी नॉर्मल पानी, मतलब हल्का गुनगुना से भी बहुत कम, तो उससे मैं अपने चेहरे को धो लूँगी। मतलब हल्का गुनगुना बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादा तेज़ पानी यूज़ नहीं करना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे धो के, और इसका अगला स्टेप क्या है मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो देखिए, मैंने अपने चेहरे को अच्छे से धो लिया है, और चेहरा धोने के लिए जो मैंने पानी का यूज़ किया था, यहाँ पे नॉर्मल पानी लिया था। अब एक टॉवल की सहायता से मैं इसे अच्छे से ड्राई कर लूँगी। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसका लास्ट स्टेप क्या है। अगर आप इस पैक को नाइट में लगाना चाहते हो तो आपका इसे लगाने के बाद जो भी नाइट स्किन केयर रूटीन है आप उसे फॉलो कर सकते हो। मतलब अगर आप नाइट में कोई भी नाइट क्रीम लगाते हो, या फिर मैंने जितनी भी होममेड आपको बता रखी है उनमें से लगाना पसंद करते हो तो आप वो भी लगा सकते हो। अगर आप कोई भी मार्केट प्रोडक्ट लगाते हो तो वो भी लगा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप कोई भी क्रीम नहीं लगा सकते। और अगर आप इसे नहाते समय अगर आपने ये पैक लगाया है तो उसके बाद आप कुछ भी लगा सकते हो अपने चेहरे पर। कोई भी क्रीम लगा सकते हो, एलोवेरा जेल लगा सकते हो, मतलब जो भी आप लगाना पसंद करते हो आप वो लगा सकते हो। तो मैं भी यहाँ पे नाइट क्रीम लगा रही हूँ। आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ये बनाया वीडियो नाइट में, तो अब मुझे अपने नाइट क्रीम की ज़रूरत है, तो मैं अब लगा लेती हूँ अपनी नाइट क्रीम। देखा गाइज आपने कि आपको किस तरीके से इस पैक को बनाना है, किस तरीके से अपनी पूरी बॉडी पे लगाना है, और आप इसका भी मुझे फीडबैक जरूर देना। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। और अभी तक आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको भी कर लेना, नेचुरल पूजा ब्लॉग। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है naturalpooja12। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। ऐसी वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर।